pe nika natba corona virus nga natba dhendiyoom khyem minang si ngata fung che roga dhug marpul lobdusokpanay nyeska ongya rotot khyem khyem ka zhaa shu u konto lobdusokpanay yaon nombor aa uka matang tata ngata kewang imbol, limuchina imbol pi kaka kewang nga pepsu shu ya ngata ono nang she lapso thongde

आ, टाशी दिल है जिस तरह से अभी मेरा दोस्त ने यहाँ पर जिस तरह से पता है कि रिसेंटली एक सोशल मीडिया में एक वॉयस जो वायरल हुआ था जहाँ पर ये हमारे स्टूडेंट यूनियन के ऊपर में एक एलिगेशन लगाया था कि हमारे जितने भी जो स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स है वो यहाँ पर आ, मार्केट में हमारे जो बिज़नेस कम्यूनिटी है जो ऑफिसर्स है उनके ऊपर में टॉर्चर करता है बोल के एक वॉइस वायरल किया गया है तो उस वॉइस को हमारे जो अभी आप सब जानता है कि तवांग में इलेक्शन का सीजन है तो यहाँ पर उस वॉइस को एक पॉलिटिकल uh, बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा रहा है तो मैं uh, उसके लिए मैं ये बत, बताना चाहूँगा कि ज, जो जितने भी जो स्टूडेंट लीडर्स जो फॉर्मर अभी जो प्रेजेंट में है वो सब जो अद सिंह के जो सपोर्टर्स में है वो जितने भी हैं वो सब आज तक तवांग का बेनिफिट के लिए काम करके आया है ना कि यहाँ पर हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको टॉर्चर किया है आज तक देखिए जिस तरह से मेरा दोस्त ने बताया कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आ, हमारे सोसाइटी के हित के लिए काम किया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकता है हमारे जो कोरोना के समय था उसमें भी हमारे जितने भी जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो सब आगे आकर अपना जान का परवाह ना करके जितने भी जो यहाँ पर जो फंसा हुआ लोग थे उनको चाहे राशन पहुँचाने का काम हो चाहे मेडिसिन पहुँचाने का काम हो उसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है और जहाँ तक स्टूडेंट लीडर का जो ब, काम का बात करता है तो हमारा जो ए, सबसे पहला होता है हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना तो जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल में जो कभी टीचर्स का शॉर्टेज था उसमें भी हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर उसके ऊपर में काम किया है और मेडिकल के फील्ड में जब भी हमारे यहाँ पर कुछ किडनी पेशेंट्स या कोई भी बीमारी निकल के आता है तो उसमें डोनेशन ड्राइव करना हो हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर उनके लिए काम करता है आज के डेट में जब मेडिकल में किसी को ब्लड का ज़रूरत होता है तो हमारे स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स आगे आकर उसको ब्लड डोनेट करता है और यहाँ पर कुछ भी जो दिक्कत आता है जैसे कभी यहाँ पर कुछ सुसाइड का केस आता है या कोई मिसिंग केस आता है तो हमारे स्टूडेंट और बॉडी सबसे आगे निकल के आ, सर सर्च ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना हो हम सब स्टूडेंट यूनियन जब भी सोसाइटी को जरूरत होता है तो हम लोग सब आगे आके काम करता है तो आज आपके बीच में एक गलत मैसेज फैलाया जा रहा है कि हाल जो कैंडिडेट है नवयत सिंह जी काफ़ी अच्छा है लेकिन उनके साथ जो यूथ लीडर्स जो है वो कल को जाके वो जीतेंगे तो आपको टॉर्चर करेंगे या आपको धमकी देंगे या आपके साथ ये कुछ मिसबिहेव करेंगे बोल के एक गलत मैसेज फैलाया जा रहा है तो देखिए आज तक जितने भी जो लीडर है आप खुद देख सकता है कि उनका आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जहाँ पर बाजार में निकल के उन्होंने आ, किसी बिजनेस करने वालों को टॉर्चर किया हो किसी ऑफिसर को टॉर्चर किया हो तो ये एक गलत मैसेज फैलाया जा रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो कैंडिडेट है उनको देख के आप वोट कीजिएगा ना कि की मतलब किसी का बेकाबे में आके या किसी का गलत मैसेज देने पर उसको ऊपर यकीन करके आप वोट आ, ना करना है बोल के मैं ये अपील करना चाहूँगा तो आ ये, ये सब जो छोटा सा आ, हमारे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के प्रति है और आगे अगर हमारे जो कंट्रीब्यूशन हो देखना चाहता था तो हमारे सोशल मीडिया में हमारे पेज है उसमें आप हमारे जो भी कंट्रीब्यूशन हो उसको देख सकता है और रहा बात जो वॉइस क्लिप के ऊपर में बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स का कहना था कि उनके ऊपर में एफ करना है लेकिन हम जो औरत का जो सम्मान है उसको हम बखूबी जानता है इसलिए आ, वो दीदी का साथ में हमने फ़ोन में बात हुआ है तो उन, उनका भी ये कहना था कि मतलब वो जाने अनजाने में उससे निकल गया है तो वो उसके लिए मतलब वो खुद भी शर्मिंदा फील कर रहा था जिसके वजह से हम लोग ने आज तक उ, उनका प्रति एफआईआर नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग डर के या कुछ हम लोग का गलत काम था जिसका वजह से हम लोग ने एफआईआर नहीं किया हम लोग एक वुमेन को रेस्पेक्ट करते हुए एफआईआर नहीं किया है तो फर्दर हम ये अपील करेगा कि इस टाइप का एलिगेशन अगर दोबारा आता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में ज़रूर एक्शन लेंगे थैंक यू